भाजपा नेता कृपाराम वर्मा के प्रतिष्ठान नानपारा पर जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का स्वागत समारोह हुआ। कार्यक्रम का संचालन रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर बोलते हुए क्षेत्रीय सांसद अक्षयवल लाल गौड़ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की प्रदेश सरकार जनहित के कार्य कर रही है, इसकी बुकलेट छपी है, कार्यकर्ता गांव गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएं। उन्होंने कहा जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हुए थे वह भाजपा सरकार ने कर दिखाए। विपक्षी पार्टियों पर वार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता महामारी में गाँव गाँव जाकर जनता का सहयोग किए हैं, खाने का इंतजाम, दवा आदि का वितरण किए हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों के लोग महामारी के डर से घरों से नहीं निकले। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव की धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नेताओं को मंडल से ग्राम स्तर तक गांव-गांव जाकर कार्य करने को कहा है, जिसके तहत हम सभी लोग गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी मेहनत और लगन के बाद 2014 और 2017 में सरकार बनी है। पीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा 370 और राम मंदिर जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, विश्व में भारत को जाना जाता है, हमें गर्व है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्व सांसद पद्म सिंह चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल, विजय कुमार वर्मा, कृपाराम वर्मा, देवेंद्र मिश्रा, अभय मदेसी, अजय गुप्ता, आनंद श्रीवास्तव, अशोक जायसवाल, ओम प्रताप गुप्ता आदि मौजूद रहे। प्रतिक्रिया देना उचित नहीं, 2022 की तैयारी आपके सामने है। कितने सीटों का हमारा बूथ पर काम करने वाला साथी, हमारा सेक्टर पर काम करने वाला साथी, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से हम तत्पर हैं और 300 के पार का आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव मैदान में आएगी। अगर कोई विरोध कर रहा है, आदमी स्वतंत्र है, कोई कुछ कह रहा है तो अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, किसी के कुछ निजी विचार हो सकते हैं, उसके आधार पर राजनीति तय नहीं हुआ करती। ये हमारी जो सम्मानित जनता है वो जो फैसला करेगी उसके आधार पर राजनीति तय होगी। क्योंकि 2015 के भी पंचायत चुनाव को आप देखें तो उसके परिणाम बहुत अपेक्षित नहीं थे, लेकिन 2017 में हम लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। हम लोगों ने किसी प्रकार का सरकार का कोई दखल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लोकल चुनाव में बहुत संगठन और सरकार का इंटरफेयर भी नहीं था। जो सब जनता ने फैसला किया उसका हम स्वागत कर रहे हैं। उसके विषय में देखिए, ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अब भारतीय जनता पार्टी में इतना अनुशासनहीनता तो हो ही नहीं सकती कि एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने की हिम्मत हम लोगों को, तो ये चीज़ें हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इन सब चीज़ों पर फैसला लेता है।